देवेंद्र जी की हत्या एक विकास ने नहीं की है। आपको मैं बताऊं, सोचिए एक ईमानदार और जमाज पुलिस अधिकारी को फ्रस्ट्रेशन में लाया गया, वो क्या करता, मातहत बिके हुए हैं, उच्च अधिकारी सुनते नहीं, राजनेता फोन करके धमकाते हैं और उसके बाद भी उसको मुकाबला करना है इन सारी परिस्थितियों का, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। वो जानता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कर्तव्य निर्वहन के लिए अपनी शिथिलता नहीं बरती, आधी रात को छापा मारने के लिए गया जहां इन सब लोगों ने मिल करके उसकी हत्या का इंतजाम किया गया। कम से कम हम इस लायक हो गए हैं कि अब हम अपने भाई का पिंडदान संतुष्टि से कर पाएंगे। अगर ये जीवित रहते और ये अपराधी इसी प्रकार से खुले घूमते रहते तो हमारे मन में क्लेश होता कि हम उनको ठीक से श्रद्धांजलि नहीं दे पाए। तो माननीय योगी जी ने इस लायक तो हमें कर दिया है कि हम उनका 10वें दिन का संस्कार अच्छे से कर पाएंगे और 13वें ठीक से कर पाएंगे संतुष्ट मन से। लेकिन ये संतुष्टि सिर्फ 25% 50% संतुष्टि समाज के प्रति तब आएगी जब इनके समर्थन करने वाले, इनको बचाने वाले, इनको शरण देने वाले उन सब लोगों के नाम सामने आएंगे। इसके पकड़ में आ जाने से हमें एक मौका मिला था कि ओपन हार्ट सर्जरी करके हम चारों आर्टरीज को ठीक कर दें, चारों की चारों चोक चल गई। लेकिन परिस्थिति बस समझें या कुछ भी समझें, हमने बाईपास सर्जरी करने के बजाय एंजियोप्लास्टी करके स्प्रिंग डालना ठीक समझा, स्टेंट डालना, तो वो हमारी समस्या है। लेकिन ये रोग जड़ से अभी गया नहीं, और ये सारे ईमानदार और जाबाज अधिकारियों को डराना चाहते थे, इसलिए उसके शव के साथ ही विभत्सता की, उसका पैर काटा और उसके सर को विकृत किया और जलाने वाले। ऐसे दरिंदों के प्रति क्या ये नेक्सस जिंदा रहना चाहिए? सभी राजनीतिक दल विचार करें, कोई दूध का धुला नहीं है, सब दंगे हैं हमाम में, एक दूसरे को कहकर अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। ठीक, समाज की सोच अपनी नहीं। आज के दिन ही मेरे भाई भी मारा गया था और आज के दिन वही वो भी मारा गया। आज मेरे भाई का शांति हवन है और आज उसकी आत्मा को एक्चुअल शांति मिलेगी, वो मारा गया है। और सरकार से यही अपील है कि और भी जो उसके संगी साथी हैं वो पकड़े जाएं और उनपे जांच हो। एनकाउंटर कर दिया है वो अच्छा हुआ, लेकिन हमने तो मना किया एनकाउंटर का, इसे तो जलाकर मौत दी जाती जब हमारे दिल को तसल्ली आती। और इनके जो लड़के हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए इसी तरह से, जब हमारी आत्माओं को संतुष्टि होगी। मेरे बच्चे धोखे से मरवाया है, उस बच्चे को मरवाने चाहिए। जो वो है, जो बाकी अधिकारी है, जो जाके सहे हुए हैं, सारे शरण देना चाहिए। बहुत अच्छा किया है और न्याय मिला है। जो हमारे बेटे मारे थे वो मर गया, अब उससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे और हमें शांति मिली है, उसे तो मरना ही था। बहुत अच्छा, आज मैं संतुष्ट हूँ कि आज मेरे बेटे की शहादत कामयाब हो गई, सक्सेस हो गया। आज मेरा बेटा शहीद हो के शहादत पे अपनी पे कामयाब हो गया। अब मैं बहुत गर्व महसूस करूँगा कि बहुत बड़ा मतलब न्याय किया। जो शहीद हुए थे अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा इकबाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए।